मैं संदीप मलानी हूँ एंड आई एम फ्रॉम साउथ। मैंने काफ़ी सारे साउथ में फिल्म डायरेक्ट किए और अभी मैं हिंदी फिल्म में मैंने दो डायरेक्ट किए, जानलेवा 555 और वो पाँच दिन, और मैं काफ़ी सारे म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्रीज किया। अभी इस फिल्म हम सब उल्लू में मैं एक किरदार निभा रहा हूँ चेतन भगत का। वैसे नाम चेतन भगत नहीं, संदीप भगत है नाम। राइटर जो है, जो टू स्टेट्स, वन नाइट एट कॉल सेंटर, उस फेमस राइटर का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा इसमें एकदम सॉफ्ट कैरेक्टर है, ये कॉमेडी फिल्म है और इसमें रोमांटिक एंगल है, उसको मैं मतलब उसको सपोर्ट करता हूँ अमृता। और वेल सस्पेंस फिल्म है, मैं इस फिल्म में आप वैसे तो नाम हम सब बुल्लू हैं लेकिन इसमें एक ऐसा मैसेज है तो जो सोसाइटी के लिए मैसेज है कि हम सभी लोग उल्लू हैं। क्यों उल्लू हैं वो फिल्म आपको देखने में पता चलेगा। फिल्म में काफ़ी सारे कॉमेडियंस हैं, वीआईपी है, राजीव निगम है, सुनील पाल है, रियलिटी शोज के हैं उपासना सिंह है, गुड्डी मारुती है, राकेश बेदी वेटरन्स है, राजेश पुरी है, नया हीरो है गैवी चेल, वंदना अमृता, काफ़ी सारे लोग हैं फिल्म में और 32 ऐसे लोग हैं फिल्म में। फिल्म में तीन गाने हैं, अलका याग्निक का जो गाना है जो 90s के याद दिला देगा, रोमांटिक गाना, कुणाल गांजावाला का गाना है और जावेद अली का गाना, मौला गाना, एक सूफी गाना है। फिल्म बढ़िया फिल्म है और मैं और एक फिल्म कर रहा हूँ, मराठी फिल्म कर रहा हूँ जिस फिल्म का नाम है बावला और बोर्ड पेपर। ये फिल्म ये है दिव्यांजलि जो बावला और बोर्ड पेपर से संबंधित रखती है। मैं चाहता हूँ दिव्यांजलि अपने बारे में कुछ बता दें और फिल्म के बारे में बता दें। मैं दिव्यांजलि कहना चाहेंगे, हम सब उल्लू ये पढ़कर ऐसा लगा मुझे कि वाकई ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं उल्लू बनते हैं, मगर जब हम उल्लू बनते हैं तो हमें बुरा लगता है। मुझे लगता है ये जब फिल्म देखेंगे हम सब उल्लू है तो हमें बुरा नहीं लगेगा, मगर कहीं पर किसी सीख मिलेगी कि हमें कहाँ उल्लू बनना है और कहाँ नहीं बनना है। सही नहीं इसने, और मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ और मेरी एक मराठी मूवी आ रही बाउला और बोर्ड पेपर। और खुशी की बात यह कि संदीप मलानी जी ये साउथ से ही बिलोंग करते हैं और पहली बार मराठी में मेरे साथ काम करने जा रहे हैं, तो ये दो अलग दायरे हैं और एक साथ मिलने जा रहे हैं। साउथ और मराठी का मेल आज तक हमसे शुरू होने वाला है और ये सिलसिला चलता रहे।